एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो फुल नाइट स्टडी ब्लॉग होने वाली है। फिंगर क्रॉस्ड कि मैं फुल नाइट पढ़ पाऊँ, क्योंकि मैंने दिन में सो लिया है तो ऑब्वियसली मुझे रात में नींद आएगी नहीं, तो इसलिए मैंने ये प्लान करा हुआ है। और अभी मैं खाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा इसलिए बिकॉज मैं जब से यहाँ पर आई हूँ आई थिंक एक डेढ़ मंथ हो ही गए हैं कि मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया है। ऑल दो पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि ये अनहेल्दी है। इस वजह से चलो इसमें पनीर वगैरह है तो थोड़ा सा हेल्दी भी है, लेकिन अनहेल्दी तो है यार, मैदे की चीज़ है। और मेडिसिन खा के मेरे जो टेस्ट बड है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे गायब ही हो गए हैं, कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा है। आप सभी को पता होगा कि फ़ीवर आता है तो फिर क्या से क्या हो जाता है, कुछ चीज़ अच्छा ही नहीं लगता है। सो दो तीन दिन पहले मेरे को फ़ीवर आ रहा था, सो आई थॉट कि चलो सीज़न चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, तो मेडिसिन खा लेते हैं, ऐसे ही ठीक हो जाएगा। बट वो ठीक नहीं हुआ तो मैं हॉस्पिटल आज गई थी। सुबह वहाँ पे गई, दो तीन घंटे मेरा वहाँ पे चला गया। फिर वहाँ पे जाने के बाद मेरे को वैसे भी फीवर था तो मैं आगे सो गई थी और आराम से सोई मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं पढ़ तो पाऊँगी नहीं, कुछ इसमें हो नहीं पाएगा, तो फालतू का मैं ऐसे पेन लेके या फिर मन नहीं है फिर भी चीज़ें करूँ, क्लास करूँ, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में घुसेंगी नहीं तो फ़ायदा नहीं है कुछ, तो मैं सो गई थी। और सो के उठने के बाद मैंने तीन चार घंटे सोया था। ओके, जब मैं सोई थी सो ऑलमोस्ट 3 तो हो ही गया था, तो मैं उठी हूँ 7:15-7:20 के आसपास। सो मुझे पता चल गया था कि मुझे नींद तो रात में बिल्कुल भी नहीं आएगी, सो ये मैंने प्लान करा, क्योंकि होता है ना कि दिन में सो लो तो रात में नींद नहीं आती। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है कि मेरे साथ क्या यार, सभी के साथ ऐसा होता होगा कि दिन में सो लो तो रात में नींद नहीं आती, रात में सो लो तो दिन में नहीं आती है। और फिर मैं रात में अगर मैं सोने का भी ट्राई करूँ और ट्राई करती रहूँ नींद ही नहीं आ रही, तो फालतू का टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। सो मैंने डिसाइड करा कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, जब तक नींद नहीं आती है तो पढ़ाई करते हैं, बाद में दिन में नींद आएगी तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट अभी का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया था। एंड सॉरी फॉर दिस कलाकारी, ऐसी कलाकारी में से हो जाती है पढ़ते लिखते टाइम। और अभी मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ। एक्चुअली 2 दिन मैंने क्लास नहीं करा है और 1 दिन का आधा क्लास बचा हुआ था जो नहीं किया था, सो वही मैं कवर कर रही हूँ। पहले तो मैं केमिस्ट्री करूँगी, केमिस्ट्री के बाद मैं बायोलॉजी करूँगी, एंड देन टाइम बचेगा तो मैं फिज़िक्स करूँगी। बट मैंने सोचा है कि फिज़िक्स मैंने जो किया है कुछ दिन पहले उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, लेक्चर्स में थोड़ा और अच्छा फील करूँगी तब मैं करूँगी। चलो वीडियो तो चलती रहेगी, बट आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग विद यू गाइज, जो कि आज ही मुझे पता चला है और ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप सब लोगों ने कभी सोचा है क्या, देर आर सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ ओलम्पियाड्स, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स के लिए है, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर्स एंड इवेंट आर्ट के लिए भी है, बट नन फॉर फाइनेंस। हियर्स प्रेजेंटिंग टू यू फिनमेनिया, इंडियाज लार्जेस्ट फाइनेंस ओलम्पियाड बाई मोविन। कितना सही होता है ना कि अगर हम लर्निंग के साथ अर्निंग भी कर पाएँ। सो आप फिनमेनिया में पार्टिसिपेट करके 10 लाख तक का प्राइज भी जीत सकते हैं एंड मीडिया में रिकग्नाइजेशन भी मिल सकता है आपको। एवरी पार्टिसिपेंट्स को एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा एंड अनलिमिटेड एक्सेस फॉर वीडियो ट्यूटोरियल्स। अलॉन्ग विद दिस आपको आर्टिकल्स एंड सैम्पल पेपर्स भी मिलेंगे फाइनेंस रिलेटेड। यू नो वॉट, 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एंड 200+ स्कूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इतना करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस पर जाके रजिस्टर करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बिल्कुल भी फ्री है। आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन मोविन ऐप में जाकर इंटरैक्टिव वीडियोस देखकर कर सकते हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है और आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। फिनमेनिया फाइनेंस ओलंपियाड का क्वालिफायर राउंड October 28th to 30th तक चलेगा एंड इसे आप मोविन के ऐप पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मोविन ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको 50 रुपीज़ का ज्वाइनिंग बोनस भी तुरंत मिल जाएगा। एंड जैसे ही आप अपना मूविन वैलेट क्रिएट कर लेंगे उसमें आपको मेरा कोड यूज़ करना है MANIA50 एंड आपको 7500 मूविन क्वाइंस भी मिलेंगे जब आप फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस कंप्लीटली देख लेंगे। सो मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल भी फ्री है, तो ज़्यादा मत सोचो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ऐप डाउनलोड करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। और अभी मैं फिज़िक्स रिवाइज कर रही हूँ, मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, 2 आवर्स के लेक्चर्स थे एंड एक मेरा हाफ लेक्चर्स था, मतलब 45 मिनट्स का उसमें, और ये नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लग गया मुझे। मतलब ऐसे तो यार हो जाते हैं बट नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं बट
बट नहीं हो सकता यार, क्योंकि नोट्स बनाते तो माइंड थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है। वैसे नोट्स तो हैं मेरे पास, लेकिन बनाने का तो बात ही अलग होता है, सो इसलिए मैं बना रही हूँ। बट सारे चैप्टर्स के मैं नहीं बनाऊँगी, ये मैंने पहले भी बताया है। जैसे केमिस्ट्री में बात करी तो मैं ऑर्गेनिक के बिल्कुल भी नोट्स नहीं बनाऊँगी। एंड इट्स 2:45 राइट नाउ, सो अभी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, सो मैंने सोचा बना के पी लेते, क्योंकि अगर मैं नहीं बनाती तो ये जो मिल्क था वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाता सुबह तक। एक्चुअली मैं चाहती तो आंटी को दे देती रखने के लिए फ्रिज वगैरह में, यार यहाँ हॉस्टल वगैरह में यही सब प्रॉब्लम होता है। सो मैंने सोचा कि इतना ऊपर जाने से बेटर है, वो भी इतनी रात में किसी को डिस्टर्ब करना सही नहीं है। सो बना के पी लेते हैं, क्योंकि नहीं पियेंगे तो मिल्क ही ख़राब हो जाएगा, सो वेस्ट करना भी बेकार ही है। और अब बनाते बनाते कॉफ़ी में ये सॉन्ग सुन रही थी, इससे मेरे को गूज बम्स आ गया लिटरली। मतलब जो भी था सही था, उससे थोड़ा और मोटिवेशन आ गया। बट ओवरऑल मोटिवेशन तो आपके अंदर होना चाहिए, वो जुनून जज्बा जो भी है वो आपके अंदर होना चाहिए। क्यों करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो। बाकी ऐसी चीज़ों से जो मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं, लाइक यू कैन से कि मोटिवेशनल कोट्स, मोटिवेशनल वीडियोज़, मोटिवेशनल मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब बस थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए होती हैं। लाइक हाँ, उस टाइम पे अगर आप कुछ टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप अगर आपने ऐसा देख लिया, ऐसा नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप देख रहे हो फिर प्रॉपर देखते ही जा रहे हो, देखते ही जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने थोड़ा देख लिया, सुन लिया, उससे आपको मोटिवेशन आ गया कि हाँ भाई अब तो हो गया, ठीक है चलो, तो वो चीज़ें ठीक है। बाकी अंदर से अपना होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम वो चीज़ें देख के करके सुन के मोटिवेशन थोड़ी ना ला सकते हैं जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं तो मोटिवेशन के लिए देख रहे होंगे, कि ज़्यादातर लोग तो मोटिवेशन के लिए ही देखते हैं। बहुत कम ही लोग जो होते हैं जो ऐसे ही देखते हैं, लाइक जो इस फील्ड से नहीं होगा, जिनका फील्ड अलग होगा, वो देखेंगे कि हाँ नीट एस्पिरेंट की लाइफ कैसी है, डे रूटीन कैसा है, नाइट रूटीन कैसा है। सो ओवरऑल मिला जुला के मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए और क्या। बाकी थोड़ा सा कभी लगे कि हाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें देख के, ऐसी चीज़ें देखने से थोड़ा लगता है कि थोड़ा सा ना और एनर्जी आ जाती है, नहीं यार वो कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे, तो हम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। मैंने कोई मेडल नहीं प्राप्त कर लिया है इस चीज़ से, लेकिन एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ, सो बस वही है। और अभी ऑब्वियसली मेरा बायोलॉजी का भी लेक्चर छूटा हुआ था, बैकलॉग मतलब दो दिन मैंने करने ही करा था, तो वही मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इस टाइम भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पता ही क्या हो गया है और घर जाने का मन कर रहा है। बट ठीक है, देखते हैं, मेडिसिन वगैरह प्रॉपर लेते हैं, जल्दी ठीक हो जाए तो, क्योंकि अगर कुछ इधर उधर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मैं ही हूँ और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होगी, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाएंगी। सो मैं बस ये सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं ठीक हो जाऊँ और सब कुछ लाइफ सेशन वगैरह सब स्टार्ट करूँ अच्छे से। एंड इतनी जल्दी मैं घर भी नहीं जा सकती, क्योंकि अभी मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है यहाँ पे आए, आई थिंक 1-1.5 महीने हुए हैं यहाँ पे आए हुए। सो बट ठीक है, अभी दिवाली में घर जाएंगे, बट दिवाली में भी टाइम है, 12-13 days अभी दिवाली में भी है, बट कोई ना। एंड बायोलॉजी का लेक्चर मेरा विद नोट्स 5:35 समथिंग ख़त्म हुआ था, उसके बाद मैं सोने चली गई थी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। सो गाइस चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड डोंट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन ओके बाय।